लंबी लंबी सांसें लीजिए प्लीज। कुछ नहीं हो रहा, बर्दाश्त करो। आशीष की हालत देख नहीं सकती मैं। माशा प्लीज मेरी बात सुनिए ना, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। तो फाइनली परी यहाँ पर राजीव को बोल देती है कि हाँ मैं ही परी हूँ, मैं पार्वती नहीं हूँ। अब सोचो नीति का क्या होगा, क्योंकि अभी नीति तो कितनी कोशिश कर रही थी ना किसी तरीके से यहाँ पर राजीव को फंसा ले। सुसाइड मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, अभी लंबी सांस लीजिए। कहीं पार्वती आज फिर से ऐसा कुछ ना करते जिससे सबको उसका राज पता चल जाए। लाइट भी करने की कोशिश करती है कि यहाँ पर भाई मैं सुसाइड वगैरह कर लूंगी तो राजीव जो है फंस जाएगा और यहाँ पर मेरे से शादी करने के लिए हाँ कर देगा। लंबी लंबी सांस लीजिए आप। मिस्टर माशा क्या कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं है मिस्टर। क्या गर्मी लग रही है। वो कह भी देता है शादी के लिए, लेकिन यहाँ पर पार्वती और राजीव को बहुत बुरा लग रहा है। मतलब राजीव से कितना लड़ी थी ना पार्वती, हमने देखा ही था। क्या पार्वती बोलती है कि भाई तुमने कैसे हाँ कह दिया, और यहाँ पर राजीव भी कहता है कि तुमने क्यों नीति से शादी करने के लिए फोर्स किया कि तुम नीति से शादी करने के लिए हाँ बोल दो। थैंक यू परी। पर मेरा दिल कह रहा है कि सच्चू उसे उसे पहचान गया है, उसने पक्का उसे परी कहा है। भगवान अब क्या होगा, तुम्हें मना कर देना चाहिए। तो यहाँ पर वो एक दूसरे से लड़ते भी हैं और अब शायद लग रहा है कि भाई पार्वती जो है ना बता देगी कि मैं परी हूँ। लेकिन जब ये सारी चीजें पता लगेंगी भाई राजीव को कि नीति ने किस तरीके से उसे मारने की कोशिश की थी, और यहाँ भाई पार्वती को ये भी लगता है कि उसने परी को भी मारा था राजीव ने, तब राजीव क्या जवाब देगा। वैसे तो राजीव बेकार केयर कर रही है उसकी, जैसे उसके बिजनेस पार्टनर नहीं उसकी बीवी हो। छोड़ूंगी नहीं यार, मम्मी जी अपनी बर्बादी का तमाशा देखो, ना कुछ गलत नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं था। बस बस क्या तो भाई हाथ पैर जोड़कर यहाँ पर उसके पैरों पे गिर के माफी भी मांग रहा है, बोल भी रहा है कि मैंने अगर कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम मुझे अपने से दूर मत करो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और ये सारी चीजें सुनकर ना यहाँ पर भाई हमारी जो परी है वो बहुत इमोशनल हो जाती है, उसको गले वाले लगा लेती है। ताई जी भी आ जाती है, ताई जी भी परी बोलती है। यहाँ पर अचानक से परी को याद आता है, अरे मैं तो यहाँ पर कोई एक मकसद के लिए आई हूँ ना। यहाँ पर तुरंत बोल देती है कि मैं आपकी पार्वती हूँ। यहाँ पर वो बोलती है कि आप लोग इतना इमोशनल हो रहे थे इसलिए मैंने आपका साथ दे दिया, नहीं तो भाई मैं पार्वती हूँ परी नहीं हूँ। ये सुन के वो कह के तो चली जाती है, पर राजीव को कहीं ना कहीं ये लग गया कि भाई ये मुझे पता है कि ये मेरी परी है। और आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर राजीव और पार्वती लिफ्ट के अंदर फंस जाएंगे और यहाँ पर फाइनली परी अपनी दिल की बात बोली देगी और राजीव को सारा सच बता देगी। तो अब देखते हैं कि नीति के साथ क्या होता है। वैसे तो हमने नया प्रोमो देख ही लिया है कि यहाँ पर नीति को डराने के लिए परी भूत बन के आने वाली है, और यहाँ पर नीति शायद हो सकता है अपना सारा जुर्म कबूल कर ले और बोल दे कि हाँ मैंने ही मारा था परी को। वैसे इतनी जल्दी तो नहीं कहने वाली है वो, लेकिन जरूर डर जाएगी और परी का भूत देखेगी ना, परी जैसा देखेगी, और यहाँ पर बोलेगी भी वो सब देखकर कि भाई राजीव ये देखो यहाँ पर परी का भूत आ गया, और परी तो मर चुकी थी ना, परी वापस कहाँ से आ गई। और यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोलने वाली है कि पार्वती परी है, पार्वती परी। तो देखते हैं अब राजीव क्या बोलता है नीति से।